बसमिल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम रेगुलरली करते होंगे स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका प्रीवियस टॉपिक चैप्टर नंबर फ़ोर के एम सी क्यूज़ के बारे में था सो so, आज हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू करेंगे क्वेश्चन नंबर टू है फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पुर करें तो चलिए फ़र्स्ट पढ़ते हैं डैश टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स तो स्टूडेंट्स इसमें आपने लिखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सेकेंड देखते हैं अ डैश इज़ अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व तो इसमें आपने लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व थर्ड देखते हैं डैश इन परफॉर्मिंग

फोर्थ पढ़ते हैं डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स आपने इसमें लिखना है फ्लो चार्टिंग यानी फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फिफ्थ देखते हैं द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश शेप तो इसमें आपने लिखना है पैरालोग्राम यानी द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरालोग्राम शेप ये ब्लैंक्स आपने करनी है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलम ए को आपने कॉलम बी से मैच करना है तो ये है a problem, a problem आ, आप प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम को आप मैच करेंगे अ हर्डल के साथ यानी फोर्थ वाले फोर्थ वाली रो रो में आप मैच करेंगे इसको सेकेंड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो इसको आपने मैच करना है अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम यानी फिफ्थ रो से आप मैच करेंगे थर्ड है द इनपुट व्हाट इज़ गिवन फ्लो चार्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस द आउटपुट वट इज़ रिक्वायर्ड तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका काम है वो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स और कॉलम इसको जस्ट आपने याद करना है अपनी नोटबुक्स पे नोट नहीं करना सो so आज के लिए बस इतना ही बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़